हेलो बिल्डोजर। वाह, तुम यकीनन स्टाइल में स्लाइड करना जानते हो। हाय विलीफेंट, अच्छी कोशिश। लगता है बिल्डोजर उस बर्फ की लूप पर घूमने वाला है। गजब बिल, अगली तुम्हारी बारी वेलीफेंट। ध्यान से, एलिफेंट क्या तुम ठीक हो? बिल्डोजर चाहता है तुम उसके साथ जाओ। डरो मत एलिफेंट, जाओ बिल्डोजर उसे दिखाओ कैसे करना है। चलो वेलीफेंट, चलो फिर से प्रयास करें। ध्यान से, अरे नहीं, क्या तुम्हें चोट लगी है विलीफेंट? ओह, बिल्डोजर के पास एक और योजना है। बिल्डोजर क्या कर रहा है? ओह, मुझे समझ आ रहा है तुम दोनों क्या करने में लगे हो। तुम दोनों बढ़िया टीम वर्क, लेकिन विलीफेंट कहां गया? ओह, क्या तुम अकेले करने वाले हो? ध्यान से भी, वाह बढ़िया काम विलीफेंट, ये बहुत प्रभावशाली था। अब तुम्हारी बारी है बिल। एलिफेंट, तुम सच में एलिफेंटास्टिक हो। बढ़िया काम एलिफेंट, तुमने हार नहीं मानी और अंत में बहुत मजा भी किया। और बहुत बढ़िया बिल्डोजर, उसके डर में उसकी मदद करने के लिए तुम दोनों सच्चे दोस्त हो। चलो टॉर्च, काम शुरू करने से पहले थोड़ी गर्मी लाते हैं। क्या तुम बॉल खेलना चाहते हो? तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे टॉर्च, क्या तुम बीमार हो? रुको दोस्त, ये लो, मैं आज अकेले ही पहरा दे आता हूँ। नहीं दोस्त, आराम करो ताकि अच्छा महसूस कर सको, मैं जल्द आ जाऊंगा। हे टॉर्च, तुम बहुत बीमार लग रहे हो, तुम्हें जॉनी की बात सुनकर थोड़ा गर्म रहना चाहिए। हाँ,
आ गया। मैंने जंगल में क्रोकोडाइल रॉक क्रशर को देखा। हाँ टॉर्च, क्या तुम हो? हे जॉनी, टॉर्च तुम्हें रेंजर ड्यूटी में बेहद मदद करना चाहता था, जबकि वो बीमार था और उसने घर पे ही रहना चाहिए था। अरे नहीं, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। शायद वो भी जंगल की ओर गया होगा क्योंकि तुम भी वहीं थे। उसकी खास फ्लेयर उसे वहाँ ले गई होगी। चलो उसे ढूंढते हैं। टॉर्च, क्रोकोडाइल, क्या तुम मेरी मदद करोगे? टॉर्च गायब है, शायद वो नदी में गिर गया होगा। चलो खाड़ी पे देखते हैं। टॉर्च, क्या तुम यहाँ हो? आह, हे जी क्रेन, अच्छा हुआ तुम मिल गए। क्या तुम ढूंढने में मेरी मदद करोगे? शायद कोई यंत्र तुम्हारी मदद करे जॉनी। जानता हूँ, ये मुझे दूर तक देखने में मदद करेगा। टॉर्च पक्का यहाँ नहीं है। वो आखिर वो कहाँ गया? हे मीगल, क्या तुम भी मेरी मदद करने आए हो? ये चलो चलें। इस तरफ मीगल, शायद मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पहले नहीं था। क्या तुम्हें लगता है टॉर्च उसके नीचे हो सकता है? टॉर्च, ये रहे तुम। तुमने घर क्यों छोड़ा? चलो वापस चलें। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुका दोस्त। अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। बहुत बढ़िया रेंजर्स, तुमने एक दूसरे को ढूंढ ही लिया। अच्छू! ओह, लगता है तुम्हें भी सर्दी हो गई जॉनी बॉय। खैर, कम से कम हम दोनों इसमें साथ में हैं, क्यों टॉर्च? अच्छू! क्या तुम्हें कुछ मिला टॉर्च? ओह, मछली पकड़ना कितने धीरज का काम है। ट्रक्टल, तुम हमारे साथ मछली पकड़ना चाहोगे? ट्रक्टल, क्या तुम हो? डॉक्टर, क्या हुआ दोस्त? ओ, मैं समझ गया क्या हुआ होगा। हेलो रेंजर्स, ट्रक्टल एक छोटा सा मांसाहारी पौधा सूंघने गया था, लेकिन उसने अपनी नाक कटवा ली। ज्यादा चोट नहीं लगी? मुझे देखने दो दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं। ये लो, मैंने तुम्हें खास पट्टी लगाई है।
वाह वाह, आराम से। तुम क्या कर रहे हो? तुम गोल गोल तो नहीं घूमने वाले क्या तुम? मुझे लगता है वो मांसाहारी पौधा है। ट्रैक्टर, तुम्हें उसके छोटे दांत दिखाई दिए? सही कहा जॉनी, वो छोटा मांसाहारी पौधा है। ये पौधे छोटे कीड़ों को खाते हैं। और उसने सोचा कि ट्रैक्टर एक बहुत बहुत बड़ा खाना है। लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या उसे भूख लगी है? शायद उसे पानी की जरूरत है, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। उस चीज का हम ध्यान रख सकते हैं, क्यों ट्रैक्टर? पानी देने से वो खुश नहीं लग रहा। अच्छा सोचा टॉर्च, चलो उसका परीक्षण करें। लगता है हम कुछ भूल रहे हैं। सही कहा रेंजर्स, इन छोटे छोटे पौधों को बहुत सारे सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, और ये बड़े से पाम के पत्ते के पीछे छुपा हुआ है। ओ हाँ, चलो इस पत्ती को हटाते हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, थोड़ा बाएं चलो। वो ठीक क्यों नहीं लग रही? क्योंकि जॉनी, इन चीजों में समय लगता है, मछली पकड़ने जैसा। तुम्हें उसे हर रोज पानी देना है और धीरज रखना है रेंजर। सही कहा। ठीक है, हम कल फिर आएंगे, क्यों ट्रकल? चलो फिर, हम तुम्हें कल मिलते हैं छोटे पौधे। हेलो छोटे पौधे। हेलो छोटे पौधे। हेलो छोटे। वाह, वो कितना बेहतर है। बहुत बढ़िया ट्रैक्टर। वाओ, कितना गजब। वो कितना बड़ा हो गया है ना ट्रैक्टर? ट्रैक्टर, क्या तुम डरे हुए हो? वो तुम्हारी नाक काटने के लिए माफी मांग रही है ट्रैक्टर। बहुत बढ़िया ट्रैक्टर, तुमने बहुत धीरज और देखभाल दिखाई है, जबकि तुम दोनों की शुरुआत कठिन थी। और बहुत बढ़िया रेंजर्स, तुमने उसे उगने दिया और एक दोस्त भी बनाया। ये बढ़िया दोस्तों, हमें सिर्फ थोड़े धीरज की जरूरत थी। वो क्या था टॉर्च? हमें जाके देखना चाहिए। टॉर्च, देखो, एक क्रिसमस का तोहफा। और यहाँ ब्लू रेंजर्स, सांता से अकस्मात अनिमा कार के क्रिसमस के तोहफे गिर गए। वह अपनी यात्रा समय से पूरा करने की जल्दी में थे, तोहफे उठा नहीं सके। वह तुम दोनों पर तोहफे पहुँचाने के लिए निर्भर है। क्या तुम उनकी मदद करोगी जॉनी? हम इस दिन के लिए सांता बनने वाले हैं, क्यों टॉर्च? मैं जानती थी तुम करोगे, लेकिन याद रहे रेंजर्स, तुम्हें तेज और बुद्धिमान होना है ताकि आश्चर्य बना रहे। चलो काम करते हैं। ये सब उठाना थोड़ा मुश्किल होगा। सोच रहा हूँ क्या। तुम राइनो ट्रक्स की मदद क्यों नहीं लेते जॉनी? वो तुम्हारी बर्फ गाड़ी बनके बहुत प्रसन्न होगा। वो आ गया। ए,
हे दोस्त, क्रिसमस को बचाने और हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। चलो चलें। ओह, क्या हुआ दोस्त? ओह, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। हैं? ही हा। ओह, सांता किटी, चलो चलें। पहुंचा पाएंगे राइनो ड्रग्स और ना ही तुम्हें टॉर्च। टॉर्च? हाँ? हाँ, अच्छी योजना टॉर्च। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ओकी डोकी। बहुत बढ़िया तुम लोग, तुमने सांता का काम उत्तम किया। अब घर जाओ, सूरज उग रहा है और वहाँ तुम्हारे लिए भी कुछ आश्चर्य है। क्या वो हमारे लिए है? हाँ जॉनी, सांता और अनिमा कार्ड्स हमें सबसे बढ़िया रेंजर्स होने के लिए धन्यवाद देना चाहते थे और बहुत बढ़िया सांता के छोटे सहायकों को भी। वो इसे देखो, एक नया अनिमा टूल। ये बहुत बढ़िया है। सबको धन्यवाद। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस रेंजर्स।